अपने यहाँ कहा जाता है कि भाई अगर अभी नहीं मिला तो इस बात को लेकर अगर आप निश्चिंत हो जाएं कि एक साल बाद कोई चीज़ मिल जाएगी, तब भी आदमी दिन काट लेता है कि चलो आज नहीं सही, एक साल बाद अपना नंबर आ सकता है। लेकिन जब आगे भी कोई संभावना न दिखे तो निराशा होना स्वाभाविक है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में इन दिनों अफसरों के बीच अपने भविष्य को लेकर एक चिंता और चर्चा ये दिखाई पड़ रही है। बात आज फिर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी की ब्यूरोक्रेसी की, जिस पर दुर्गा शंकर मिश्रा काबिज है। दुर्गा शंकर मिश्रा का सेवा विस्तार उनके कैडर के दूसरे अफसरों की उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। पानी इसलिए कि उनको इस बात की अब आशंका हो चली है कि अभी दुर्गा शंकर मिश्रा 31 दिसंबर 2023 तक तो इस पद पर रहेंगे ही रहेंगे। एक साल पहले मिला उनको एक्सटेंशन, एक साल अब 2 साल का एक्सटेंशन हो गया और 2 साल जब खत्म होगा 31 दिसंबर 2023 तब उसके बाद चुनाव आ जाएगा लोकसभा का, मई में 5 महीना रहेगा। ऐसे में अगर चुनावी साल में भी उनको 6 महीने का सेवा विस्तार या 1 साल का मिल गया तब ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी? तब तो सारे पुराने लोग घर चले जाएंगे, उनका काम खत्म, वो कभी इस कुर्सी की ओर देखने की उम्मीद भी ना करें। अभी तो 87 और 88 बैच कलेजा पकड़े बैठा है कि हाँ चला गया मामला खत्म। लेकिन अगर 23 के बाद भी दुर्गा शंकर को 6 महीना भी एक्सटेंशन मिला तो फिर आधा 1989 बैच भी निपट जाएगा, फिर उसकी भी उम्मीदें खत्म। अब आप देख लीजिए कि अभी जो स्थिति है इस साल की, अभी फरवरी में तो कई बड़े जा रहे हैं, IIDC और पुराने चीफ सेक्रेटरी सब चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद नवनीत सहगल जुलाई में, अगस्त में संजीव मित्तल, उसी समय आलोक कुमार जाएंगे, आजकल केंद्र में ऊर्जा सचिव हैं, उसके बाद उसी जून में प्रशांत त्रिवेदी, संजय भूस रेड्डी, फिर दिसंबर में रजनीश गुप्ता। यहाँ तक तो ठीक था मामला, ये चले जाएंगे, लेकिन अगर 6 महीना आगे बढ़ा दुर्गा शंकर मिश्रा का एक्सटेंशन तो फिर अगले साल फरवरी में हेमंत राव, सुधीर गर्ग ये दोनों रिटायर हो जाएंगे, 87 बैच है 88 बैच। फिर मार्च में अमित मोहन प्रसाद और कल्पना अवस्थी का भी नंबर है, ये दोनों भी मार्च में चले जाएंगे। उसके बाद मई आ जाएगी, 5वां महीना, जिसमें महेश गुप्ता और अनीता सिंह ये दोनों भी रिटायर हो जाएंगे। फिर जून आते आते राधा एस चौहान का रिटायरमेंट आ जाएगा, वो भी इस समय हालांकि दिल्ली में तैनात है। तो ये सब इतने बड़े बड़े नाम थे जो ये एक समय में मुख्य सचिव की कुर्सी जो थी उस पद के ये दावेदार थे, और सारे अफसर ख्वाब भी रखते हैं कि हमें इस कुर्सी पर पहुंचने का मौका मिले, लेकिन वो ख्वाब दिल के दिल में ही रह गए, दिल के अरमा वो आंसुओं में बहे या अंदर अंदर बहे किसी ने देखा नहीं। लेकिन एक सेवा विस्तार उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी के सारे समीकरण को किस तरह से बिगाड़ रहा है और किस तरह से आशंकाएं और उसको समाप्त कर रही संभावनाओं को, ये सब चीज़ें आप इस खबर में देख सकते हैं। इसमें सच्चाई क्या होगी ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन हम एक आकलन आपके सामने रखते हैं। हम सिर्फ ये बातें लाते हैं कि जिन्हें आप बहुत बड़ा बड़ा अफसर मानते हैं, जो कभी सरकारें चलाते थे, वो दिन के जब फेर बदलते हैं तो वो कैसे कहाँ रह जाते हैं, अंधेरे में गुमनाम होकर चले जाते हैं। उनके जीवन में हम समझते हैं कि बड़ी लकदक है, बड़ी चमक है, बड़ी सारे लाव लश्कर हैं, सरकारी तंत्र हैं, ACS हैं, लेकिन उनके मन में जो दर्द रहता है वो उस कुर्सी का रहता है, उसको न पाने का कष्ट उनको जीवन भर सालता है।